नमस्कार, NMOPS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 16 अप्रैल है। जी हां, हम लेकर चलते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। आज पूरे देश में NMOPS के बैनर तले, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की बैनर तले आज पूरे देश में एक पेंशन संवैधानिक मार्च निकाला गया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरे देश में पेंशन संवैधानिक मार्च निकालकर सरकार से अपील की गई कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। कई सारे बड़े नेता भी सपोर्ट में आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने भी ट्वीट कर सरकार से अपील की कि शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन बहाल की जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पेंशन आंदोलन को सराहा और शिक्षकों कर्मचारियों की खूब तारीफ की। जिस तरह पूरा देश पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एकजुट होता नजर आ, वास्तव में सभी प्रदेश अध्यक्षों, चाहे उत्तराखंड से जीतमणि पैनवली जी हों, चाहे हरियाणा से विजेंद्र धारीवाल जी हों, चाहे पंजाब से सुखजीत जी हों, चाहे दिल्ली से मंजीत सिंह पटेल जी हों, चाहे मध्य प्रदेश से परमानंद डहरिया जी हों, तेलंगाना से राष्ट्रीय महासचिव और वहां के प्रदेश अध्यक्ष स्थिति प्रज्ञा जी हों, चाहे कर्नाटका से शांताराम तेजा जी हों, चाहे बिहार से वरुण पांडे जी हों, या रेलवे की अगर बात की जाए तो अमरीक सिंह जी के नेतृत्व में और ऑर्डिनेंस में प्रेम सागर जी के नेतृत्व में पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ शांतिपूर्वक मार्च निकाला गया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पेंशन संवैधानिक मार्च का जो आयोजन किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के मार्गदर्शन में तय किया गया कि 16 अप्रैल को पूरे देश में पेंशन संवैधानिक मार्च निकाला जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर यह जो आंदोलन था या जो मार्च था, ये टाल दिया गया। आगामी रणनीति प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और उनकी पूरी टीम तय करेगी कि अगले महीने या कब यह पेंशन संवैधानिक मार्च किया जाता है। लेकिन कई सारे जिलाध्यक्षों का कहना था कि पेंशन संवैधानिक मार्च होगा जिससे हमारा जिला मजबूत नजर आएगा। ये देखिए तेलंगाना की तस्वीरें। TSCPSEU के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पेंशन संवैधानिक मार्च निकाला गया। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने ट्वीट करके कहा कि लाखों कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है पुरानी पेंशन, सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। वहीं कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने सरकार को घेरा और शिवराज सिंह चौहान से अपील की कि लाखों कर्मचारियों के बुढ़ापे को देखते बहाल किया जाए। देखिए विजेंद्र धारीवाल जी हरियाणा के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति PVSS के बैनर तले, जो कि NMOPS का सहयोगी संगठन है, उसके बैनर तले मार्च निकालते हुए तमाम इनके साथ शिक्षकों कर्मचारियों पूरे जोश के साथ पुरानी पेंशन बहाल करो के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो रुड़की में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने आंदोलन संभाला, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहे, विशेष अतिथि के रूप में रहे और उन्होंने सरकार से अपील की कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये देखिए फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे के साथी और ऑर्डिनेंस के साथी क्या किस तरह से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संवैधानिक मार्च निकालते नजर आ रहे हैं। शिक्षकों और कर्मचारियों का मानना है कि हमारी जो जमा पूंजी है, NPS के द्वारा जो जमा पूंजी हमारे शेयर मार्केट में लगाई जाती है, पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और आगे आने वाले समय में जब भी शेयर डाउन होगा, जब भी इस तरह से कुछ उठा पटक होगी तो हमारा बुढ़ापा सुरक्षित नज़र नहीं आएगा। इसलिए NPS को ज़बरदस्त विरोध किया गया और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि OPS लागू करने की बात कही गई। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, NPS गो बैक के नारा लगाते हुए ये जो शिक्षक और कर्मचारी नज़र आते हैं, ये दिख रहे हैं, इनको लगता है कि जो न्यू पेंशन सिस्टम है, नई पेंशन योजना है, उसमें जो खामियां हैं, उसकी जो कमियां नज़र आती हैं, बुढ़ापे को लेकर चिंतित करते हुए नज़र आती हैं। देखिए पूरे जोश के साथ पुरानी पेंशन बहाल करो। ये जो रेड एरिया है लाल बत्ती का, ये यहाँ पे पूरे चौराहे पे रोक दिया गया है, पूरा जाम कर दिया गया है और ताली बजा कर हाथ में तख्ती लेकर पुरानी पेंशन बहाली की अपील करते नज़र आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पूरे देश में हो रहे पेंशन संवैधानिक मार्च को खूब सराहा है और ये बिहार की तस्वीर, हाथ में तख्ती लेकर महिला शिक्षक और कर्मचारी पूरे जोश के साथ पुरानी पेंशन बहाली का नारा लगाते नजर आ रही हैं। इनका कहना ये है कि बुढ़ापे में हमें हमारी जो जमा पूंजी है वो सुरक्षित चाहिए और 2024 में लोकसभा चुनाव है। ये कहीं ना कहीं सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम शिक्षक और कर्मचारी एकजुट हैं, अगर आप पेंशन बहाल नहीं करते तो हम कहीं ना कहीं मजबूर होंगे। सरकारी कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, उनका अंग हैं और साथ ही अपील भी कर रहे हैं विनम्रतापूर्वक, शांतिपूर्वक जो
मार्च निकाला जा रहा है, उसमें अपील कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कर उनका बुढ़ापा सुरक्षित किया जाए। ये देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने ट्वीट कर सरकार से निवेदन किया है और आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया है। देखिए पेंशन संवैधानिक मार्च की तस्वीरें। अब देखना है राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी, उनकी टीम क्या करती है, NMOPS की इकाई क्या करती है। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हुंकार भरते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।